दोस्तों, एक ऐसी चीज जो पैसे के दम पर सभी करते हैं और वो है ताजा खाना खाना। दरअसल ये कहा जाता है कि खाना ताजा ही बनाएं और ताजा ही खाएं। लेकिन दोस्तों, आप देखिए कि आप ताजा खाना भी खा रहे हैं तो फिर भी इतना पैसा होने के बावजूद और ताजा खाना खाने के बावजूद भी आप इतना बीमार क्यों हैं? क्यों हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या फिर अस्थमा है? दोस्तों, आप उन लोगों को देखिए जिनके पास पैसा कम है। ऐसे लोग जो लोग ताजा खाना नहीं खा सकते हैं, तो इसका मतलब ऐसे लोग बहुत बीमार होने चाहिए जो ताजा खाना नहीं खाते। तो यहीं पर मैं आपको एक बात याद करवाना चाहता हूँ। भारत में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे बसोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसे कई जगहों पर बासड़िया भी कहते हैं। इसमें करते क्या है कि एक दिन पहले खाने को बनाकर रखा जाता है और अगले दिन उसे बासी करके ही खाया जाता है। तो सोचिए, त्योहारों में ऐसा कहा गया है कि आपको बासी खाना खाना है, तो फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि ताजा ही बनाए और ताजा ही खाएं? हालांकि ये ताजे वाली चीज हर चीज के ऊपर लागू नहीं होती। मतलब कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें आप बासी करके खाएं तो वो भी अच्छी होती है। तो ऐसे ही आज हम आपको बताने वाले हैं बासी रोटी खाने के फायदों के बारे में। ऐसी रोटी जो गेहूं की आटे की बनी हो, ऐसी रोटी जो 8 से 10 घंटे की बासी हो, सिर्फ उसी की बात हम कर रहे हैं, किसी और आटे की बात नहीं कर रहा, या ऐसी रोटी की बात नहीं कर रहा जो 12 से 14 घंटे बासी हो। सिर्फ ऐसी रोटी जो गेहूं की आटे की बनी हो और 8 से 10 घंटे की ही बासी हो, वो हमारी बॉडी के लिए क्या फायदे कर सकती है आप सोच भी नहीं सकते। हमारे बॉडी को किस किस तरह के रोगों से दूर रख सकती है, आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। बासी रोटी के फायदे जानने से पहले जानते हैं कि बासी रोटी को खाना कब है और कैसे है। अगर आपकी रात की गेहूं की रोटी सुबह बच जाती है तो ऑब्वियसली आप इसे फेंक देते होंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा ना करें। अगर आपकी गेहूं की रोटी रात को बच जाती है तो सुबह क्या करना है कि उस रोटी को 10 मिनट के लिए गाय के दूध में भिगो कर रख देना है। गाय का दूध जिसके अंदर मीठा ना डाला गया होगा, फीका दूध होना चाहिए, में उसे भिगो कर रखें और 10 मिनट के बाद उस रोटी को आप खा लें। अगर आप इस तरह से बासी रोटी का सेवन करते हैं तो इससे मिलने वाले फायदे अनगिनत हैं। यानी कि इतने फायदे आपको मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी जो कि बासी हो चुकी है 8 से 10 घंटे, उसे अगर दूध में डूबो कर खाते हैं तो उससे आपको अनेकों फायदे होते हैं। उनमें सबसे पहला फायदा है डायबिटीज वालों के लिए। डायबिटीज में आपको आराम मिलता है। ऐसे लोग जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, काफी सालों से पीड़ित हैं, ऐसे लोग जो डायबिटीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, फिर चाहे आपको 10 साल या 20 साल से क्यों ना डायबिटीज की दवाई खा रहे हों, डायबिटीज को जड़ से खत्म कर पाएंगे सिर्फ बासी रोटी के जरिए। वही करना है आपको, सिर्फ बासी रोटी को आपको दूध में डूबो कर रखना है और सुबह खाली पेट उसे खा लेना है। बस यही चीज आपको करनी है कि रात को गेहूं की रोटी को बनाकर रखना है, सुबह जब वो बासी हो जाए तो उसे दूध में डूबो कर रखें और 10 मिनट के बाद इसे खा लें, खाली पेट सेवन करें। देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपकी डायबिटीज कंट्रोल होने लगेगी और लगातार 2 महीने ऐसा करने से आपकी डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दरअसल बहुत से लोग तो ये नहीं जानते कि डायबिटीज हमें होती क्यों है, तो बस जो डॉक्टर ने कह दिया उस बात पर विश्वास कर लेते हैं और डॉक्टर के कहने के अकॉर्डिंग दवाइयाँ खाते नहीं हैं, इसलिए वो पिछले कई सालों से दवाइयाँ खा रहे होंगे। ऐसे और भी लोग होंगे जिनका शरीर बिल्कुल खराब हो चुका होगा, क्योंकि डायबिटीज हमारे शरीर को खराब नहीं करती, शरीर को खराब करती हैं ये दवाइयाँ जो हम खाते हैं। ये जो दवाइयाँ हम खाते हैं ये हमारे खून में मिल जाती है और इन दवाइयों को फिल्टर करने के लिए किडनी को बहुत काम करना पड़ता है। अब किडनी इस वजह से कमजोर हो जाती है। आप देखेंगे कि जो लोग डायबिटीज से पेशेंट होते हैं उनकी किडनी कमजोर हो जाती है। कहा यह जाता है कि ये आपकी किडनी कमजोर हुई है डायबिटीज की वजह से। दरअसल किडनी कमजोर होती है हमारे दवाई खाने के कारण। जो दवाइयाँ आप रोज खा रहे हैं वो खून में मिल रही है और किडनी का काम भी खून को साफ करना होता है, तो किडनी का काम आपने बढ़ा दिया जिससे कि आपकी किडनी कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हमें इस तरह की दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। हमें सिर्फ अपने बॉडी में एनर्जी देनी है, क्योंकि डायबिटीज होती तब है जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती, जब हमारा पैनक्रियाज अच्छे से काम नहीं करता। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। उसका काम है इंसुलिन के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना और इंसुलिन का काम है शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना। इंसुलिन को बढ़ाने में बासी रोटी मदद करती है। बासी रोटी खाने से इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और डायबिटीज में बहुत ही आराम मिलता है। इसके अलावा ये बासी रोटी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। क्या आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर आपकी जान भी ले सकती है? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में डॉक्टर आपको छोटी सी गोली देता है और आपको कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस दवाई खा लेना, आपके हाई बीपी नॉर्मल हो जाएगा। वो आपको ऐसा क्यों कहता है?
क्योंकि उसे यही सिखाया गया है। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साइलेंट किलर घोषित कर दिया है। यानी कि हाई बीपी एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान की जान लेती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में आपका खून गाढ़ा हो जाता है, दिल को बहुत तेजी से खून को पंप करने में जोर लगाना पड़ता है। अब अगर दिल को हर बार खून को पंप करने के लिए जोर लगाना पड़ेगा तो एक समय में आपका दिल थक जाएगा, यानी कि दिल कमजोर हो जाएगा। इससे यह पता चलता है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनका हार्ट कभी भी फेल हो सकता है, उनकी अर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, उन्हें ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, हाई बीपी होने से आपकी नसें फट सकती है, हाई ब्लड प्रेशर होने से आपको पैरालिसिस यानी कि लकवा हो सकता है। तो जब इतना कुछ हाई ब्लड प्रेशर से हो सकता है तो ये छोटी बीमारी नहीं है। आप क्या करें कि हमारे बताए हुए तरीके से बासी रोटी का सेवन करें और सुबह खूब पानी पिएं। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही आपका हाई बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आयुर्वेद में कहा गया कि आप सुबह खाली पेट बासी मुंह बगैर कुल्ला किए 2 से 4 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल होती है, क्योंकि सुबह खाली पेट जब आप पानी पिएंगे तो इससे आपका ब्लड प्योरीफाई होगा। ब्लड पतला हो तो आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी, आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरा, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस लेने और गुस्सा करने से भी हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। इतना ही नहीं, बासी रोटी के और भी फायदे हैं। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी है। कभी भी आपको पेट की इन्फेक्शन हो जाए, पेट में कभी भी इंडाइजेशन हो जाए, पेट में कीड़े हो जाए, पेट में अल्सर हो जाए, इन सभी केसेस में आपको बासी रोटी जरूर सेवन करना है। जब आप बासी रोटी को दूध में डुबोकर खाते हैं तो ये ठंडी हो जाती है। ये बासी रोटी हमारे बॉडी में पित्त को बैलेंस करने का काम करती है और पेट की सारी बीमारियों से हमें राहत देती है। अगर आप इसके अलावा अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो भी बासी रोटी बहुत ही अच्छी है। बासी रोटी में फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है और उसे सुबह खाली पेट खाने से वजन कम करने में बहुत मदद मिलती है। दरअसल वजन बढ़ने का कारण सिर्फ हमारा ज्यादा खान पान नहीं होता, वजन बढ़ने का कारण हमारे थायराइड हार्मोन्स का इनबैलेंस भी हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिन लोगों को थायराइड है उन लोगों का मोटापा बहुत ही बढ़ जाता है, या फिर दूसरी ओर उनका मोटापा बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और वो दुबले पतले हो जाते हैं। दरअसल हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है जो कि डिफाइन करता है हमारे मोटापे को, और इस मेटाबॉलिज्म को हमारे थायराइड ग्लैंड्स एक्टिव करते हैं। और जब भी आप खाते हैं तो इसका इफेक्ट सीधा आपके गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर होता है और उस हार्मोन से आपके वेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप बासी रोटी का सेवन करेंगे तो आपको थायराइड के जो हार्मोन्स है वो सही से प्रोड्यूस होंगे और आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बूस्ट होगा और आप बैठे बिठाए अपने वजन को कम कर पाएंगे। अगर आप बासी रोटी का सेवन लगातार 1 महीने तक करते हैं तो आप देखेंगे कि 5 से 7 किलो तक वजन आप बिना किसी डाइट और बिना किसी एक्सरसाइज के कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, डायबिटीज को कम कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, तो आप बासी रोटी का सेवन जरूर करें। बासी रोटी का दोस्तों इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं, तो इसे डाइट में शामिल करें और स्वस्थ रहें।